देखो बेटे, कल हमने इसको फॉर्मूले से किया था, आज मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी करता हूँ, जिससे कि आपको दोनों मेथड से ही आ जाए। तो आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा 4s² - 4s+1। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का बेटे? फर्स्ट नंबर क्या है और लास्ट नंबर क्या है? ठीक है, 1। तो प्रोडक्ट आया 4। 4 को करना है फैक्टराइज, तो एक तो फैक्टर बेटे 4 × 1 ही आएगा, दूसरा फैक्टर 2 × 2 और आएगा। लेकिन हमारे पास लास्ट वाला साइन प्लस है, तो हमें प्लस करके यानी कि सम जो है मिडिल टर्म चाहिए, और मिडिल टर्म 4 है, तो सम हमें 4 चाहिए। तो बताओ सम 4 किसका आ रहा है? 4 + 1 तो 5 होता है, तो ये तो चाहिए नहीं, लेकिन 2 + 2 4 होता है। यस और नो? तो यही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आएगा, मतलब 4s² - 2 + 2s+1। जरा ब्रैकेट ओपन करिए, 4s² - 2s - 2s+1 कॉमन कॉमन। तो 2s - 1, फिर -1 कॉमन। ध्यान रखिए, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे इनर ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2s - 1 एक ब्रैकेट आएगा, और दूसरा ब्रैकेट भी 2s - 1 ही आएगा। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसलिए 1 ही कॉमन था। तो ये बस है। तो अगर आप 2s - 1 को 0 लेंगे, s = 1/2 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, आप सब बच्चे सुन लीजिए। ये जो आपके पास आया है s = 1/2, तो एक को अल्फा ले लीजिए और एक को बीटा ले लीजिए। तो अब आपकी मर्जी, एक तो मैंने पहले करके दिखाया अल्फा प्लस बीटा, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको शो करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये शो करना है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या आई है 1/2, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 है, ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, एस नहीं आता है, 4/4 आ जाएगा। तो बताओ लेफ्ट साइड में 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। अरे कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और राइट साइड में आ जाएगा 4/4, तो 2/2 क्या होता है और 4/4 क्या होता है 1, तो LHS = RHS। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ गया। दूसरा हमें क्या करना है, α×β = c/a, α×β = c/a। अल्फा आया है 1/2, बीटा आया है 1/2, सी हमारे पास है 1 और ए हमारे पास है 4। यस और नो? यस सर। सी हमारा कितना है 1/2 और ए कितना है हमारा 4। तो देखो LHS = RHS हो गया है, नहीं हो गया? यस सर। 1/2 × 1/2 = 1/4 हो गया, तो ये भी हमारा LHS = RHS हो गया। तो यही आपको करना है कि पहले आपको जीरोज निकालने हैं और फिर जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकालना है, और ये चेक करना है कि LHS RHS इक्वल है या नहीं। आगे समझ में सर? यस सर। गुड। अब हमारे पास दूसरा है, ध्यान से देख लीजिए।